तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाय, मैं लोनावला जा रहा हूँ। अच्छी है सॉरी, थैंक यू वेरी मच, तुमने राइट टाइम पे एंट्री मारी, वरना ये मेरे सखारम को लेके लोनावला पहुंच जाता। उतरो नीचे। थैंक यू, बंद करो इसको, बंद करो। ये विचित्र मानुष है। मिल गया ना स्कूटर वापस, मेरी जवाबदारी पूरी बस। और मेरी जवाबदारी का क्या, मेरे छाते की जवाबदारी पहले ली थी तुमने। हाँ तो भाई, वो जवाबदारी भी पूरी की ना मैंने, छाता मिल गया था तुमको, लेकिन तुम्हारी मस्ती की वजह से वो छाता गया उनके पास वापस। मरे अब बड़ो सूट चाले छे। हाँ बड़ो, अरे भाई सब कौन है और तेरे स्कूटर लेके कितने जा रहे हैं? अरे ओ, तुमसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे बात करो। ठीक है भाई साहब जी, तुसी दस दो, तुसी कौन हो और पिडूदा स्कूटर लेके कितने जा रहे हो? पहले तुम बताओ सरदार जी, मेरी जीप तुम्हारे पास कैसे आई? ओ नाना ना जी, वो है तो मेरी जीप है, क्यों सुनिए? नीचे उत्रो, नीचे उत्रो, मुझे अपनी जीप में लोनावला जाना है। जिद्दी लाना मत भूलिएगा। अरे हाथी भाई, आज चिकी चिकी साले भगा पसंद आ जोनी हमारी जीप में लोनावला घेला जी भी वाट करे छे। रोशन रोशन भाभी घेलो अच्छे। थोड़े थोड़े तो थोड़े मनहर लाल जी हैं। थोड़े नहीं, पूरे मनहर लाल जी हैं। आता थोड़े नहीं, पूरे आता आठ नाव बदल ला, पूरे झाले आता खरस पूरे झाले। चलो जीप से उतरो, मुझे लोनावला जाना है। ओ जेठा प्रा, की इशारे करो यार, मैं तो कुछ समझ नहीं लग रही। रोशन मारी बात समझ, आ गेलो छे सच्ची मुच्ची नो गेलो, चक्रम छे चक्रम घन चक्कर। देखिए प्लीज, आप मेरी जीप से नीचे उतरिए, मुझे लोनावला जाना है, इनके लिए चिकी लानी है। ओ ये आपकी गड्डी है, आप इस गड्डी में आराम से सुरक्षित होगे, लोनावला जाओ। ओ सुनिए, चल तू भी उतर, मैं भी उतर जाना। आओ जी, आओ, आप जाओ, जाओ जी, जाओ। छोटी तो जीप से क्यों उतरा, जैसे वो भीड़ का स्कूटर लेके भागे थे, अभी तेरी जीप लेके भागेंगे। वो ऐसे कैसे भागेगा जेठा प्रा, वो चाबी तो इतने है। शिव, अरे वाह वाह पापा जी, तुसी ग्रेट हो। जेठा प्रा तुम मेरे फेवरेट हो। चाबी, मेरी चाबी, मेरे जीप की चाबी तुमने ले ली, ये चीटिंग है। मुझे घंटे खत समझ गए, मैं अपनी जीप की चाबी लेकर रहूंगा। ये तो अभी बंदी कर रहे हो, चाबी ले ली, भाग तू भाग, चाबी ले, चाबी ले, छाता छोड़ दे, छाता में बारिश होती है, छाता छोड़ दे, छाता छोड़ दे, अरे मेरा छाता, अरे क्या छाते ले, मेरा छाता, छाता मत देना, मत देना, मत देना, छोड़ी चाबी मत देना, अरे क्या छाता, अरे छाता, ये बंदे को पागल को, अरे मेरा छाता, मेरा छाता, ये आपकी नहीं, मेरी छड़ी है। अरे भाई मेरी छड़ी है बापूजी, नहीं आपकी, आपकी है, बराबर है आपकी छड़ी। अभी अभी मुंबई के बोरीवली स्टेशन से हैरत अंगेज खबर आई है, जब एक जेंटलमैन जैसा दिखने वाला आदमी अचानक ड्राइवर के डिब्बे में घुस गया और कहने लगा ये शहर मेरा है। ये है उस घनचक्कर की तस्वीर। बापूजी ये तो वही भाई है जिनको हमने टीवी में समाचार में देखा था ना, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, वही भाई है। अच्छा हाँ बाबूजी, ये आपकी छड़ी नहीं है भाई, ये आपकी छड़ी है, रखिए आप अपने पास रखिए। इन सब में एक आप ही समझदार लगती हैं। देखा
देखिए आपको छड़ी मिल गई है ना, आप छड़ी अपने पास रखिए, छाता दे दीजिए। दोनों का क्या करेंगे, डांडिया खेलेंगे? डांडिया, ओ आई लव डांडिया। आपको डांडिया पसंद है? मुझे डांडिया और गरबा खेलना बहुत पसंद है। हाँ जी, हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी है। हमारी नहीं, मेरी। ओ जी, आपकी जो प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वो तो वर्ल्ड फेमस है गरबा और डांडिया के मामले में। तो चलो हम डांडिया खेले, मजा आएगा। अरे मैं ये कह रहा था कि तू गरबा करते करते ऊपर घर पे चली जा, तो तेरे पीछे पीछे ये भी आ जाएंगे। अभी इनको बोल के अभी गरबा करते, ताकि वो नीचे रख देंगे ना, तो बापूजी की छड़ी और उसको छाता दे देता हूँ पोपटलाल। सुनिए, देखिए, मेरे पास तो डांडिया नहीं है, और अभी हमने डांडिया कर लिया ना, तो अभी ये रख दीजिए, हम गरबा करते हैं। जेठालाल, कहाँ से लेके आए इसे? अरे भाई, बहुत लंबी कहानी है ये, पोपटलाल तुमको बाद में सब कुछ विगत और बता देगा। वैसे मैंने चालू जी पांडे जी को बोल दिया इनके बारे में, वो इनके बेटे को ढूंढ रहे हैं। बस सब मिलकर प्रार्थना करो कि इनका बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और ये सही सलामत वापस अपने घर वालों के साथ अपने घर पे पहुंच जाए। मैं काम करता हूँ, रीटा रिपोर्टर को तुम्हारे घर पर आने के लिए बोल देता हूँ। वो कवरेज लेकर जाएगी और टीवी पे दिखाएगी, तो हो सकता है उनका बेटा जल्दी मिल जाए। अरे वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा आइडिया, थैंक यू बाबूलाल, थैंक यू। चलो बाबूजी, घर पे चलते हैं। मैं भी साथ में आता हूँ, कहीं कुछ पंगा हुआ तो मैं संभाल लूंगा। नहीं छोटी, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। पर कोई जरूरत पड़ी तो फोन कर देना। हाँ जरूर जरूर जरूर, वो तो सबको कर दूंगा। ठीक है, बहुत टाइम के बाद डांडिया गरबा किया, मजा आ गया और थक भी गया। वो बराबर, थक तो गए। आओ यहाँ बैठते आओ। अरे आप मेरे झूले पर क्यों बैठे हो? मेरा झूला है, मैं बैठूंगा। उठो, तुम्हारा ही झूला है। तुम बैठो, बैठो बैठो। बापूजी, सॉरी है, आप इनकी बात का बुरा मत लगाना, वो इस तरह बात कर रहे हैं आपसे तो। नहीं नहीं जी, क्या मुझे पता है, ये तो एक छोटे बच्चे की तरह है, इसकी बात का क्या बुरा मन। लेकिन टपू के पापा, ये हमारे सोसाइटी में आए कैसे? अरे बहुत लंबी कहानी है, हुआ यूं। दो रजवाड़ी चाय देना। 100 रुपया। भाई
ये मेरी दुकान है, बाहर निकलो, इसको बाहर निकलो। अभी चखाता हूँ, मजा आया। वही घनचक्कर है जिसके बाद दया बहन का कंगन और पोपटलाल का छाता है। वही है, वही है। कैसे भी करके उनकी तस्वीर खींच कर मेरे पास भेज दो, बाकी का काम मुंबई पुलिस खुद कर लेगी। तो अभी चालू पंडित जी भी कोशिश कर रहे कि जल्द से जल्द इनके बेटे का पता चल जाए। तो एक बार उन्हें फोन करके पूछ ना कि कुछ पता चला। अरे नहीं, इनके सामने मैं पुलिस को फोन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? वो पुलिस के नाम से भड़क जाते हैं ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं बेडरूम में जाके चालू पंडित जी से बात करता हूँ, तब तक आप इनका ध्यान रखना। आपको पता है गरबा करने के बाद सबसे अच्छी चीज क्या है? झूला झूलना। वो तो मैं झूल रहा हूँ। सरस वो तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जो झूला झूलने के साथ साथ भी हो सकती है। झूला झूलने के साथ? क्या? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। मैं बताता हूँ, झूला झूलने के साथ गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। चाय नहीं, हा? चाय के साथ नाश्ता। मैं दूसरा बताइए तो, नाश्ते में आपको क्या अच्छा लगता है? चाय के साथ भजिया, गर्मा गर्म भजिया, वो मेरा फेवरेट है। तो आप एक काम कीजिए, आप और शांति से झूला झूलिए, मैं आपके लिए मसालेदार चाय और गर्म गर्म भजिया भजिया लेकर आती हूँ। मजा आ रहा है ना झूला झूलने का? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ चालू जी, पांडे जी कुछ पता चला? नहीं जेठालाल, कुछ पता नहीं चला। अच्छा वो तुम्हारे उस घनचक्कर का क्या हाल है, इस वक्त क्या कर रहा है? वो झूला झूल रहे। जेठालाल तुम्हारे गोडाउन में झूला भी है क्या? नहीं नहीं, वो अभी मेरे गोडाउन में नहीं है, मेरे घर पे है। वैसे उसे खले जाकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जेठालाल, शायद घर के वातावरण में उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। एनीवे मुंबई पुलिस उसके बेटे को ढूंढने में लगी हुई है, जैसे उसका पता चलेगा हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। ओके थैंक यू चालू जी, पंडित जी थैंक यू थैंक यू। बाय, टेक केयर। झूलो झूलो, आराम से झूला झूलो। बात हो गई? हाँ, क्या कहा? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ढूंढ रही। पुलिस? पुलिस किसे ढूंढ रही है? नहीं, पुलिस किसी को ढूंढ नहीं रही है। मैं दया को ढूंढ रहा हूँ। दया मेरी दया को। अरे दया, इनके लिए चाय और भजिया बना लेंगे। ओ चाय और भजिया, अरे वाह, आई आई आई, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और भजिया दया भी लेके आई रही होंगी। अरे दया ला जल्दी चाय और भजिया ला इनके लिए। जेठा भाई मुझे पोपटलाल का फोन आया था, उसने मुझे कहा कि आपके घर में कोई सरफिरा है। कहाँ है वो सरफिरा? सरफिरा? तुमने मुझे सरफिरा कहा? नहीं 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 नहीं, आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा, वो सरफिरा नहीं बोली। हाँ कोई नहीं बोला। नहीं मैंने बराबर सुना, इसने मुझे सरफिरा कहा। सरफिरा नहीं, वो सरफरोश। सरफरोश बोले, वो पिक्चर नहीं है आमिर खान की सरफरोश, वो इनकी फेवरेट पिक्चर है, तो उसकी एक पर्सनल डीवीडी भी बसा कर रखी है इन्होंने। तो क्या परसों इन्होंने मुझे वो डीवीडी देखने के लिए दी थी, और कल मुझे वापस लौटानी थी, मैं लौटा नहीं पाया, इसलिए अभी वो मांगने आए। कहाँ है सरफरोश? सरफरोश कहाँ है सरफरोश? कहाँ है सरफरोश की डीवीडी? मेरी डीवीडी मुझे वापस दीजिए। चलिए मत देना इसको डीवीडी। क्यों? ये चोर है। चोर? मैं चोर नहीं हूँ। हाँ,
उसने मेरा माइक चुरा लिया है। ये मेरा माइक है, दो दे दो मुझे वापस माइक। नहीं, ये मेरा माइक है, मुझे आप बोलिए। नहीं, दे दो। ये चैनल का माइक है, मैं इनको नहीं दे सकता। चैनल का नहीं, ये मेरा माइक है। कोई नहीं, मेरी जवाबदारी मिल जाएगा वापस। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, 1 2 3, चेक, 1 2 3। अब आप सुनेंगे एक सुमधुर गाना, जिसकी फरमाइश की है चिंच पोकली से टुन्नु मुन्नु भुन्नु और भुन्नु। थैंक यू। अरे तुमने मेरा कैमरा क्यों लिया? ये मेरा कैमरा है, दो मुझे। नहीं, मैं कैमरा नहीं दे सकती। दे दो, मेरी जिम्मेदारी, दे दो। चिंता भाई, पूरे 2 लाख का कैमरा है, मेरी नौकरी का सवाल है। अभी कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी दे दो, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। दे दो मेरा कैमरा, दो। दे दो, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। चलो अब डांस की शूटिंग हो रही है, डांस करो। अरे कैसे नाच सकते हैं, म्यूजिक तो है नहीं। अरे म्यूजिक तो बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अरे हाँ, सुनाई दिया। तो चलो, लाइट कैमरा एक्शन डांस। बाबू जी आप रहने दीजिए, मैं नाच रहा हूँ ना, आप रहने। चले। तुम क्यों नहीं नाच रहे हो? नहीं, बापू जी को डांस नहीं आता है, इसलिए। डांस नहीं आता है, फिर भी डांस करना पड़ेगा। डांस करना पड़ेगा, वरना ये डायरेक्टर मनहर हीरा बंसाली ये कैमरा तोड़ देगा। तो चलो डांस करो, लाइट कैमरा एक्शन। तुम लोग क्यों नहीं डांस कर रहे हो? अरे नहीं, हम दोनों तो यहाँ पे शूटिंग देखने आए हैं ना। तुमको अंदर किसने आने दिया? No guests allowed, get out. नहीं, ये लोग मजाक कर रहे हैं, बाहर मत जाना, वो करना ना शूटिंग वीडियो, क्या फिर? हाँ तो चलो डांस करो, चलो नाचो। मेरी जिम्मेदारी, नाचो, कुछ नहीं होगा। इसने भी, अरे बाद में रिपोर्टिंग भी करना है ना, वो तो भगा देगा तुम दोनों। जान पहचान गले पड़े मनहर लाल, बिल्कुल सही सुना आपने, मनहर लाल गोकुलधाम निवासियों के गले पड़ चुके हैं, बड़ा उधम मचा चुके हैं, सबकी नाक में दम कर चुके हैं, सब बड़े परेशान हो चुके हैं, सबके दिमाग में यही सवाल है कि आखिर इस मनहर लाल के घर वाले कब मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, और नहीं मिले तो, अगर नहीं मिले तो क्या ये मनहर लाल सारी जिंदगी गोकुलधाम सोसाइटी का सदस्य बनकर रहेगा? भाई क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब मनहर लाल क्या करते हैं, मनहर लाल के परिवार वाले मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्या किस तरह से मिलते हैं, सब पता चलेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, मस्त रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.